हाय, आगे हमने देखा कि किस तरह से फिशर वुमेन्स ने अपनी बैंक बनाई, उस बैंक में से लोन ली। लोन लेने के बाद जरूरत थी तो नेट खरीदी और जरूरत थी तो बोट खरीदी। पहले वुमेन्स को फिशिंग के लिए नहीं जाने देते थे, लेकिन इस मॉडर्न जमाने में वो भी अभी फिशिंग के लिए जा रही है और किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है लेकिन आत्मनिर्भर है और बैंक उसको सहाय दे रही है। उसी तरह से आज जो ये मिंकर्स वुमन बैंक की फिशर वुमेन से, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही एक ड्राई फिश की फैक्ट्री बनाए। उनकी उस सोच पर जो पंचायत थी, उन्होंने उसको कुछ लैंड जमीन दी कि भाई आपकी इतनी बढ़िया सी सोच है तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। पंचायत ने उसको जमीन दी और पूरे साल की उसने उसकी सेविंग अमाउंट देखी तो कुछ 74,000 हो रही थी। अभी अगर वो इस तरह से कोई फैक्ट्री शुरू करना चाह रही है तो फैक्ट्री में कौन कौन सी आइटम्स चाहिए होंगी और कितने नंबर्स में चाहिए होगी, मीन्स क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी, उसका पूरा लिस्ट उन लोगों ने बनाया। और फजीला ने उसको देखा कि भाई कौन सी आइटम हमको चाहिए और उस आइटम में, मतलब उस आइटम की कॉस्ट क्या है, कितनी क्वांटिटी चाहिए और उसके मुताबिक पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, उसका पूरा रिकॉर्ड इस फजीला ने बनाया। तो यहां पे वो पूरे का पूरा डेटा हमको दिया गया है, एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। समझते हैं उस टेबल को। फजीला ने पूरा लिस्ट रेडी किया कि कौन कौन सी आइटम्स चाहिए होंगी और कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी और उसकी कॉस्ट क्या है। तो उसने लिखा कि फर्स्ट बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल बनाना पड़ेगा फ्रेश वाटर के लिए। कितने नंबर ऑफ आइटम्स, कितने, वन। अगर वन बोरवेल बनाए तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, ₹3,000। दूसरा बाम्बू रैक फॉर फिश ड्राइव, बाम्बू रैक चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 20। तो कितनी कॉस्ट लग रही है, 2,000। तो अगर 20 खरीदेंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, वो यहां पे हम आगे लिखेंगे। थर्ड वन सीमेंट की टैंक, कितनी, 4, एक सीमेंट की 1,000। बाद में है ट्रे एंड नाइफ, कितनी चाहिए होंगी, 20। वन ट्रे और नाइफ, ट्रे एंड नाइफ की कॉस्ट कितनी है, मीन्स उन दोनों की पेयर की, ₹300। फिफ्थ वन बकेट, कितने चाहिए होंगे, 20, और वन बकेट की कॉस्ट कितनी है, ₹75। अभी क्वेश्चन ये है कि भाई ये सारी आइटम्स और उतने ही रुपीस टोटल कॉस्ट कितनी होगी, क्या कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो हम यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, हमको टोटल कॉस्ट क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, वन वॉटर टैंक बनाना है, उसकी कॉस्ट कितनी, 3,000। तो 3,000 इंटू वन, किसी का भी वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो आ गया 3,000। अभी 20 कितने चाहिए, बाम्बू रैक कितने चाहिए, 20। वन बाम्बू रैक रैक की कॉस्ट है 2,000, तो 20 की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंगुलर टू मल्टीपल, या अगर वन की प्राइस 2,000 तो 20 की प्राइस कितनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट करते हैं, पहले कितने जीरो, वन टू थ्री और फोर, फोर जीरो लगा, वन टू थ्री फोर। अभी डिजिट क्या रहे, टू एंड टू, टू टू सर फोर, आ गया आंसर। अभी सीमेंट टैंक कितने चाहिए, फोर। वन सीमेंट टैंक की प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 1,000। तो वन की प्राइस 1,000, तो फोर की प्राइस कितनी, तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1,000 इंटू फोर यानी 4,000, कितनी, 4,000। नेक्स्ट है ट्रेन नाइफ, कितने चाहिए, 20, 20। वन की प्राइस है 300, तो 20 की कितनी। तो यहां पे जैसे जीरो वाले हैं, ये भी हमने हमारे बेसिक वीडियो में देखा है कि भाई सिर्फ लास्ट में जीरो हो तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहां पे उसका मल्टीप्लाई दो जीरो और एक यहां पे थ्री जीरो लगा दो,
डिजिट क्या रहे थ्री, यहां पे क्या रहा टू, थ्री टू सर सिक्स, यहां पे क्या है बकेट, वन बकेट की प्राइस 75 तो 20 की कितनी, वन की 75 तो 20 की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पे 10 रख दो, क्या रहा 75 एंड 2, तो 75 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 सर 10, 27 सर 14 एंड 115 मींस क्या रहा 150, क्या आएगा 150। तो समझ में आ गया, फजीला ने पूरे का पूरा इस तरह से टेबल बनाया कि उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए, उसमें एक की कॉस्ट कितनी है, टोटल हमको कितने रिक्वायरमेंट है, तो उसमें पर्टिकुलर आइटम्स की कॉस्ट कितनी होगी। अभी वो इस सभी का टोटल कर रही कि भाई अगर फैक्ट्री का सेटअप करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, क्या टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट यानी क्या, इस सभी का प्लस होगा कि नहीं, टोटल कॉस्ट यानी क्या, इस सभी का प्लस, तो जीरो फिर जीरो 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 फाइव जीरो मीन्स फाइव, फाइव एंड जीरो फाइव, फाइव एंड जीरो फाइव, फाइव एंड जीरो फाइव, वन एंड सिक्स सेवन, सेवन एंड फोर इलेवन, इलेवन एंड जीरो इलेवन, इलेवन एंड थ्री फोर्टीन का फोर, वन केरी, वन एंड फोर फाइव। मतलब जो वुमेन्स मिंस मिंकर बैंक की लेडीज है, फिशर वुमेन्स है, उन लोगों को जो ये फैक्ट्री का सेटअप खड़ा करना है उसके लिए उसको 54,500 रुपीस की रिक्वायरमेंट है। कितने रुपीस की, वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, 54,500 रुपीस की। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो वुमेन्स है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है उसको कितने रुपीस चाहिए, और उसके पास पहले से कुछ है ही जो हमने पहले ही समझ लिया है, तो उसको कितने रुपीस चाहिए, क्या करना है, वो सब कुछ आपको यहां पे दिया गया है। तो आज यहां तक रखते हैं, बाय बाय।